गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. ओके स्टूडेंट्स, आर वन ग्रामर टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज कंजक्शंस. द मेन थिंग इज व्हाट आर कंजक्शंस. कंजक्शंस होते क्या हैं? लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस. अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेज, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल एंड देन वी विल कनेक्ट दिस एग्जाम्पल विद कंजक्शन. आई लाइक बोथ पपाया एंड वाटरमेलन. नाउ आई हैव टू सेंटेंसेज. आई लाइक पपाया, आई लाइक watermelon. These are two different sentences, but I have joined these two sentences into one sentence with and. I have joined two sentences into one sentence by joining and. And is our conjunction. I like both papaya and watermelon. You can drink juice but avoid tea for a few days. Now here is contrast. यू कैन ड्रिंक जूस, कि आप जूस पी सकते हैं, बट अवॉइड टी फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है. यू कैन ड्रिंक जूस बट अवॉइड टी फॉर अ फ्यू डेज. सो बट इज आर कंजक्शन. आई हैड टू सेंटेंसेज. यू कैन ड्रिंक जूस, यू कैन अवॉइड टी फॉर अ फ्यू डेज, बट आई हैव टू मेक वन सेंटेंस बाई यूजिंग कंजक्शन. The girl is honest, but the boy is dishonest. But यहाँ पे क्या है, हमारा कंट्रास्ट है कि girl तो honest है लेकिन जो boy है वो dishonest है. तो इस तरह से आपको सिचुएशन और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन को राइट करना है. फाइन. नाउ काइंड्स ऑफ कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. द एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर and, but, or, so, for. And next is correlative conjunctions. The examples, both, and, not only, but. And the last one is subordinating conjunctions. Because, therefore, while, when, until, before, after, if. So these are the three types of conjunctions. But in this class, we will do only coordinating conjunctions. The first type of conjunction we will do. Coordinating, यानी coordinate करना, दो sentences को coordinate करना, join करना. ठीक है. The basic definition is coordinating of two sentences by using conjunction. Join two simple sentences together. यानी हमारे पास two simple sentences है and we have to join these two sentences by conjunction. Okay? Simple sentences means he is lazy, he is smart. He is lazy but smart. Two sentences, but I had make it one. Vaibhav is well. Nisha is sick. अब इसमें यहाँ पे क्या है, opposite है कि Vaibhav तो well है लेकिन Nisha जो है वो sick है. Then definitely we have to use but. Vaibhav is well but Nisha is sick. We use and. We have done but, now we are doing and. We use and to add one statement to another. Like see the examples. The boy is a good singer. The boy is a good dancer. I have again written singer. I have made it correct. The boy is a good dancer. The boy is a good singer and dancer. I have joined two sentences in one by using and. But is used as a contrast. As I said earlier that but is used as a contrast in some sentences. Contrast means यहाँ पे opposite बात हो रही होती है between two statements. He is slow, he is careful. He is slow but careful. कि वो slow है but careful है. The dish is delicious, the dish is hot. The dish is delicious but hot. की dish delicious तो है but क्या है, hot. तो ये हमारा क्या है,
कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बट। ओके, नाउ दिस इज़ योर वर्कशीट, दिस इज़ वेरी इजी वर्कशीट फॉर यू। सर्कल द कंजक्शन वर्ड्स, चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड जॉइन द सेंटेंसेस विद करेक्ट कंजक्शन। ओके, इन दिस वर्कशीट द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू डू सर्कल द कंजक्शन वर्ड्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कंजक्शन वर्ड्स आर हेयर, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, बट और सो फॉर बिकॉज देयरफॉर व्हाइल व्हेन अनटिल बिफोर नॉट ओनली बट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कंजक्शंस। नाउ इन दिस टू सेक्शन, सेक्शन बी एंड इन सेक्शन सी, वी विल डू ओनली कंजक्शंस रिलेटेड टू एंड एंड बट। ओके, वी विल डू कंजक्शंस ऑफ एंड बट। सो यू हैव टू राइट नाइसली इन योर फेयर नोटबुक, आई होप वॉट आर द कंजक्शंस, दिस इज क्लियर टू यू, एंड डू वेल, एंड प्लीज कंप्लीट योर ऑल पेंडिंग वर्क इन योर फेयर नोटबुक इन अ वेरी नीट हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।